हेलो गाइस, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे गाइस। एक क्वेश्चन था, वही हम आज कवर करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियोस ना जो क्वेश्चन के रिलेटेड रहते हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, जो वीडियोस रहते हैं, वो थोड़े छोटे छोटे रहते हैं गाइस, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर रहते हैं ना, उनके क्वेश्चन रहते हैं। तो वही आज गाइस हम एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। तो बहुत छोटा वीडियो के रहेगा, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा रेसिपी के रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट ऐड किया था। समझो, आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऐड किया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि अंडर रिव्यू करके, और यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि दिखा रहा था कि प्लीज़ ऐड प्राइवेसी पॉलिसीज एंड ऑल, ऐसे दिख रहा था। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मुझे कुछ मैसेज में नहीं दिख रहा, और मैं यहाँ पे मेरा वेबसाइट चेंज भी कर सकती हूँ। ओके, तो आज का टॉपिक वही है गाइस कि हम यहाँ पे हमारा वेबसाइट कैसे चेंज कर सकते हैं। समझो, आपने ऑलरेडी एक वेबसाइट डाला है और आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, डैशबोर्ड से हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब मतलब यहाँ पे वेबसाइट चेंज करने का हमारे हाथ में नहीं रहता गाइस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक टिकट जनरेट करना पड़ेगा रेजोपे को। देन टिकट जनरेट करने के बाद मतलब मेल वगैरह करना पड़ेगा गाइस उनको, तब वो रिस्पॉन्स करेंगे, टिकट जनरेट करते हैं, देन वो हमको कॉल करते हैं, और हमको कॉल पे उनको बोलना पड़ेगा कि मैंने जो वेबसाइट डाला है वहाँ पर मुझे चेंज करना है। तो आपका वो अकाउंट वगैरह कन्फर्म करते हैं कि आपका नाम वगैरह कन्फर्म करते हैं करेक्ट अकाउंट है क्या। तो क्या करेंगे, उनके साइड से वो रिजेक्ट करेंगे, हमने जो वेबसाइट डाला ना वो रिजेक्ट करते हैं। एंड रिजेक्ट करने के बाद वो कन्फर्मेशन कॉल भी आपको करते हैं कि आपका जो कुछ वेबसाइट था वो रिजेक्ट है, और आप यहाँ पे दूसरा वेबसाइट ऐड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, अब मैं यहाँ पे दूसरा वेबसाइट में दूसरा URL में यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, लिंक में यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ गाइस। और यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो वेबसाइट ऐप शुड कंटेन दीज पेजेस, ये पेजेस चाहिए गाइस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसीज। समझो, कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसीज नहीं है तो गाइस नॉट एप्लीकेबल करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ओके, तो गाइज ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट आप चेंज कर सकते हैं गाइज, और URL चेंज कर सकते हैं, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हम लिंक कैसे चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कम्युनिकेट किया रेजअप एक कस्टमर केयर के साथ, और मुझे मेरा भी ऐड किया था, मुझे भी चेंज करना था। तो यहाँ पे देखो गाइज, ऐसे अभी चेंज कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ गाइज। और मैं और मुझे कमेंट्स आते हैं कि मुझे रेजोपे वाले रिप्लाई नहीं करते नहीं तो ऐसे मतलब ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन गाइज वो रिप्लाई करते हैं। मैं आपको मेल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, रेजोपे सपोर्ट, यहाँ पे देखो, डियर पार्टनर, थैंक यू फॉर टाइम ऑन कॉल, विश टू कन्फर्म वी हैव रिसीव्ड अ क्वेरी एंड प्रोसेस। देखो गाइज, उन्होंने टिकट भी रेज की है और सॉल्व भी किया है उसको। ओके, तो रिस्पॉन्स करते हैं गाइज, ऐसे नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हमको उनको मेल करना आना चाहिए। एंड मेल करने के बाद वो कॉल करते हैं, एंड आपका जो कुछ प्रॉब्लम है इमीडिएटली सॉल्व करते हैं। सो ऐसे मत बोलो कि रिस्पॉन्स नहीं करते। और समझो, आपको ईमेल आईडी चाहिए तो गाइज मैं इंस्टाग्राम लिंक नीचे देती हूँ, वहाँ पे आप DM करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दे सकती गाइज। सो गाइज प्लीज़ आप वहाँ पे DM करो, मैं आपको ईमेल आईडी फॉरवर्ड करूँगी। ओके, और गाइज आपको वीडियोज़ मेरे अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग गाइज।